हेलो दोस्तों वेलकम टू गियफ्लिक महिंद्रा एक्स यू वी फोर डबल ओ इलेक्ट्रिक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है ये अवेलेबल भी है और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए इसका मैंने एक रिव्यू पहले किया हुआ था लेकिन इस गाड़ी को मैंने ट्रैक पर चलाया था अभी मैंने इसे सिटी में चलाया है लगभग चार सौ सौ किलोमीटर मैंने इसे चलाया है सिटी के अंदर ही और इसे एक्सपीरियंस किया है कि ये चलने में कैसी है क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं क्या इसके माइनस पॉइंट्स हैं तो इस वीडियो में चलिए इसके प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हैं कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं इसके नेगेटिव्स क्या हैं और आप अगर प्लान कर रहे हैं इसे लेने का तो ये सारी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आपने गियर फ्री को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अभी कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग तो चलिए पहले इसके पॉजिटिव्स या प्रोज़ की बात करते हैं पहला पॉजिटिव ये है कि ये एक बहुत ही रिफाइंड और स्मूथ गाड़ी है साइलेंट ऑफ़ ऑफकोर्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है ईवी है तो ऑफ़ ऑफ़कोर्स इसमें आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है तो और जो उसका ऑपरेशन भी है ये बहुत ही स्मूद है रिफ़ाइंड है आपको एक प्रीमियम फील मिलता है जब आप इसे चलाते हैं और जो कैलिब्रेशन है इसका इस गाड़ी का एक्सप्रेशन का ब्रेकिंग का ये भी बहुत अच्छा है सो ओवरऑल यू गेट अ वेरी रिलैक्स्ड फील और uh, काफ़ी चलाने में भी आसान है और जैसे मैंने कहा स्मूद है और बहुत ही रिफ़ाइंड है सेकेंड पॉजिटिव यह है कि ये एक ड्राइवर्स डिलाइट है यानी कि इसका परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ही अच्छा है इसमें आपको वन फिफ्टी का पावर मिलता है और थ्री वन जीरो एन का टॉर्क मिलता है वो भी इंस्टेंट टॉर्क तो परफॉर्मेंस जो है इसकी ये बहुत ही अच्छी है उसके अलावा जो टॉप स्पीड है ये ऑफकोर्स लिमिटेड है वन फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर की लेकिन जीरो टू तो हंड्रेड ये बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है अराउंड एट सेकेंड्स से लगते हैं ज़ीरो टू तो हंड्रेड पहुँचने में तो परफॉर्मेंस इसका बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस के साथ साथ जो इसकी हैंडलिंग है ये भी बहुत ही अच्छी है और इस वजह से जो एंटायर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है एक्स वी का ये बहुत ही एनहेंस हो जाता है हैंडलिंग इज़ परफेक्ट आपको कहीं भी ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देती है चाहे आप सिटी में चला रहे हों चाहे आप स्विफ्टली चला रहे हों चाहे आप हाईवे पे चला रहे हो हैंडलिंग ऑफ दिस कार इज़ वेरी गुड और सस्पेंशन बिहेवियर भी वहीं अच्छा है ऐसा नहीं है कि इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है इट्स अ गुड बैल्स बिटवी कम्फर्टर्ट एंड हैंडलिंग तो इस वजह से जो इंटायर एक्सपीरियंस है आपका ड्राइविंग का यह एनहानस हो जाता है अब क्योंकि एक एस है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है टू हंड्रेड एम का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है तो कहीं भी आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बिग स्पीड ब्रेकर्स या फिर अगर आप गड्ढों में चला रहे हैं खराब रस्तों पर चला रहे हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगर आप एक फन टू ड्राइव ई चाहते हैं तो एक्स वी आपको वो सारी चीज़ें देगी तीसरा पॉजिटिव या प्रो ये है कि इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं इसमें तीन ड्राइविंग मोड्स आते हैं जिनका नाम है फ़न फास्ट और फेयरलेस अब ये जो तीन ड्राइविंग मोड्स हैं इनमें बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस है जब आप इसे चलाएं एंड आप फील कर सकते हैं जब आप इनको स्विच करें तो यू कैन फील द डिफरेंस इनफैक्ट जो इसका टॉप मोड है फियरलेस ये स्टेयरिंग भी उसमें थोड़ा सा और वेट गेन कर लेता है और हैवी हो जाता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग इसके अलावा इसमें आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है उसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है आपको पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं एक सनरूफ इसमें मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल आपको इसमें मिलता है और उसके अलावा आपको इसमें ऑटो हेडलैम्पस और ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिलते हैं साथ ही इसमें आपको 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और साथ में आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं फोर्थ प्रो ये है कि दिस कार इज़ हाई ऑन सेफ़्टी यानी सेफ़्टी फ़ीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं इसमें सिक्स एयर बैग स्टैंडर्ड आते हैं आ, उसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं ऑल फोर डिस्क ब्रेक जिसकी वजह से ब्रेकिंग आ, बहुत अच्छी हो जाती है और इससे भी आपकी जो एक्टिव सेफ़्टी है ये बढ़ जाती है इसके अलावा जो इसकी बैटरी है और इसका मोटर है ये आई पी रेटेड है यानी ये डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है एक बात आपके लिए जानना और ज़रूरी है कि एक्स यू वी फोर डबल ओ जो है ये एक्स यू वी थ्री डबल ओ पे बेस्ड है जिसे एन के में फाइव स्टार की रेटिंग मिली है तो इन टर्म्स ऑफ क्रैश रेटिंग ऑल्सो ये काफ़ी सेफ है फिफ्थ पॉजिटिव ये है कि ये काफ़ी स्पेशियस है पीछे भी आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है आगे की सीट मैंने पीछे कर रखी है काफ़ी और फिर भी मुझे यहाँ पे नी रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि एक चौड़ी गाड़ी है काफ़ी वाइड है और यहाँ पे जो इसका टनल है ये भी बहुत रेज नहीं है तो यहाँ पे भी आप पैर आराम से रख सकते हैं तो ओवरऑल दिस इज क्वाइट अ स्पेशियस व्हीकल। उसके अलावा इसमें आपको 378 सेवेंटी एट लीटर्स का बूट स्पेस भी मिल जाता है जो अफकोर्स आपको एक्स वी थ्री डबल में नहीं मिलता है इसमें आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिलता है तो ये भी एक बहुत फायदे की बात है कि आपको ओवरऑल जो स्पेस है इसका और स्पेस मैनेजमेंट भी जो है इसमें ये काफ़ी अच्छा है सिक्स पॉजिटिव इसका ये है कि इसके जो रनिंग कॉस्ट है ये काफ़ी लो है ऑफकॉर्स ये एक ई है तो आपको पर किलोमीटर जो कॉस्ट है ये अबाउट वन रुपी आता है वन रुपलोमीटर अगर आप घर पर चार्ज करें तो तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसके काफ़ी लो हैं और जो आपको रेंज मिलता है इसका जो ए आर स्पेसिफाइड रेंज है ये 456 किलोमीटर का है लेकिन आपको जो रियल ड्राइविंग uh, में माइलेज मिलता है मैंने इसे लगभग 500 किलोमीटर चलाया है सिटी में ही और मुझे अराउंड 270 से लेके 300 किलोमीटर के बीच का रेंज मिला है डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह से चलाएं किस कंडीशंस में चलाएं कितनी बार आप स्लोप्स क्लाइम कर रहे हैं घाट क्लाइम कर रहे हैं उसके ऊपर आपका रेंज पूरा डिपेंड करेगा तो आपको टू से थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स का रेंज ऑन एन एवरेज मिल जाएगा इन डेली रनिंग और मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट रेंज है और अगर आप प्लान करके अपना जो ट्रैवल है इसको प्लान करके रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस सिटी में चला रहे हैं मेनली तो ये थे इसके पॉजिटिव्स या प्रोज अब बात करते हैं इसके कॉन्स की या फिर इसके नेगेटिव्स की तो पहला जो नेगेटिव है मुझे ये लगता है कि इसकी प्राइस जो है एक शोरूम ये 16 से 19 लाख के बीच में है और इस प्राइस के हिसाब से जो इसका लुक है ये इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता है ये जो बेस है इसका ये एक्स थ्री डबल ओ का ही है और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं लगती है अफकोर्स एस के जो बॉक्सी लुक से वो इसमें हैं लेकिन फिर भी कुछ एरियाज है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगती है अब महिंद्रा ने कोशिश की है कि इसे थोड़ा सा अच्छा कॉस्मेटिक लुक दिया जाए थोड़े से गार्निशिंग अच्छी सी की जाए जिसकी वजह से थोड़ा फ़र्क ऑब्वियसली पड़ा है लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखें तो दिस लुक लाइक अ व्हीकल जो इस प्राइस ब्रैकेट में आती है ये थोड़े से और लोअर सेगमेंट की गाड़ी लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स सेकेंड नेगेटिव ये है कि इसके जो इंटीरियर्स हैं ये भी काफ़ी डेटेड लगते हैं स्पेशली अगर आप आज की बात करें तो ये जो इंटीरियर्स हैं ये छः सात साल पुराने की गाड़ियों के लगते हैं एंड दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं लगते हैं उसी के साथ साथ जो इसकी फिट फिनिश है वो भी बेटर हो सकती थी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ये काफ़ी रफ लग रही है इसमें काफ़ी रफ़ एजेस भी आपको मिलेंगे ख़ासतौर से अगर आप इसके डोर हैंडल्स को देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते हैं जो स्विचेस भी हैं इसके दे आर जस्ट ऑर्डिनरी बहुत कोई खास बात नहीं है उसमें जो इसके सीट के एडजस्टमेंट के लीवर्स हैं इसमें आपको शार्प एजेस फील होंगे एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस प्लस आपको डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे एक्सपोज वायर्स भी दिखाई देंगे और ये सारी जो बातें हैं इसके जो प्रीमियम फील है इसको किल कर देती है और इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि नो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए प्लस क्योंकि ये एक्स यू वी थ्री डबल ओ पे बनी हुई है तो थ्री डबल ओ में जो आपको यहाँ पे स्विचेस मिलते हैं वो स्विच गियर तो यही है लेकिन ये डमी स्विचेस हैं ये काम नहीं करती हैं और इन्हें ब्लैकआउट किया गया है दिस ऑल्सो लुक्स वेरी फ़नी uh, ये बहुत ही ऑड लगता है कि ये बटन तो दिए गए हैं लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं करता इसमें बटन्स कौन से कौन से हैं स्टार्ट स्टॉप है जो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एक्स यू थ्री में आते हैं बट इसमें नहीं दिए गए हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का स्विच यहाँ पर दिया गया है जो ऑफकोर्स काम कर रही है तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है थर्ड नेगेटिव ये है कि इस प्राइस पॉइंट पे होते हुए भी कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग हैं जो मेरे हिसाब से होने चाहिए थे और वो ये हैं कि इसमें फॉग लैम्प्स आपको नहीं मिलते हैं इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिलता है इसके जो ग्लास हैं इनमें टिंट है लेकिन ये टिंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है आ, अगर थोड़ा और ज़्यादा टिंट होता इसमें तो और अच्छा होता इट कुड हैव कट द सन मोर इसमें आपको फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलती है और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल का आता है लेकिन वो भी वायरलेस नहीं है ये वायर्ड है उसके अलावा इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं आते हैं और यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट की गाड़ियों में तो ज़रूर होनी चाहिए फोर्थ कौन या नेगेटिव इसका ये है कि इसका जो रेंज है ये आपके सिटी के लिए तो ठीक है लेकिन इंटर सिटी ट्रैवल के लिए ये थोड़ा सा कम पड़ता है आपको रियल लाइफ पे 270 टू 300 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है और अगर आप इंटर सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं दो सिटीज़ के बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको रेंज एंगजाइटी इसमें ज़रूर होगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे प्लान करना है मुंबई से पूना जाने के लिए तो ये डिस्टेंस जो है लगभग डेढ़ से एक किलोमीटर का है लेकिन बीच में एक घाट सेक्शन भी आता है जहाँ पर आपको क्लाइम करना पड़ता है और जब आप घाट में क्लाइम करें इस गाड़ी के साथ तो रेंज जो है ये काफ़ी ड्रॉप हो जाता है तो इसलिए आपको रेंज एंगजाइटी भी हो जाएगी तो अगर आप डेढ़ सौ से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं एक साथ तो आपको रेंज एंग्जाइटी ज़रूर होगी प्लस आपको चार्जिंग नेटवर्क जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कहाँ पर है ये आपको पहले से पता करके रखना पड़ेगा प्लस आपको थोड़ा सा टाइम भी स्पेयर रखना पड़ेगा इसे चार्ज करने के लिए तो एक्स वी बेस्ट इंट्रा सिटी यानी सिटी के अंदर चलाने के लिए ही अच्छी है और इसे आप एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं फिफ्थ नेगेटिव आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके घर में होम चार्जर नहीं है या होम चार्जिंग का जो एनवायरनमेंट है वो नहीं है तब ये गाड़ी आपके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि आपको जो इसका रनिंग कॉस्ट है ये महंगा पड़ेगा अगर आप पब्लिक चार्जर यूज़ करेंगे तो जो आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिलता है वो होम चार्जिंग सिस्टम से ही मिलता है एंड ऑफ कोर्स उसे चार्ज करने के लिए थोड़ा समय भी आपको देना पड़ेगा अगर आप फास्ट डीसी सी चार्जर्स यूज़ करते हैं जो पब्लिक में अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाता है आपको पे करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा और अगर आप सिर्फ़ ये सिस्टम यूज़ करें तो आपको कॉस्ट बेनिफिट इतना नहीं मिलता है तो ये थे महिंद्रा एक्स यू वी फोर डबल ओ के प्रोज एंड कॉन्स आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताइए कि क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ये फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं सीट बेल्ट जरूर पहनिए